Hello friends, welcome to the Perfect Knowledge 0001. Today our topic is prime number. Prime number means अभाज्य संख्याएं. इनको हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या. अभाज्य यानी कि जो किसी से विभाजित ना हो. ये तो इसका मीनिंग नहीं हुआ. इसका मीनिंग ये होता है अ नंबर. प्राइम नंबर, डेफिनेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर ना हो. प्रॉपरली टू फैक्टर्स. हैव अ नंबर हैव ओनली टू फैक्टर, ना दो से कम ना दो से ज्यादा. जैसे हम लेते हैं प्राइम नंबर, जैसे हमारे पास है टू. टू हमारा एक प्राइम नंबर. अब हम इसके फैक्टर देखें, शो करें. टू के फैक्टर क्या होंगे? वन और टू. एक तो इसका वन फैक्टर होगा, यानी कि वन तो सभी का फैक्टर होता ही होता है, और एक ये खुद एक अपना नंबर है. तो ये दो फैक्टर इसके हैं. तो प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनके दो ही फैक्टर हों, ना दो से कम ना दो से ज्यादा. ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर. अब हम कोई और नंबर ले लें काउंटिंग में, जैसे थ्री. तो थ्री के भी फैक्टर क्या होंगे? एक तो वन होगा और एक थ्री होगा. दो ही फैक्टर है तो ये भी हमारा क्या होगा? एक प्राइम नंबर. अब हम थर्ड नंबर लेते हैं फोर. अब फोर क्या होगा? फोर की टेबल में हम देखें तो टू टू जा फोर. अब टू के भी फैक्टर बन रहे हैं वन और टू, और यहाँ से भी टू के फैक्टर बन रहे हैं वन और टू. तो प्रॉपरली हमारे पास यहाँ कितने फैक्टर हो गए? एक तो हो गया हमारे पास वन फैक्टर, एक हो गया टू और एक फोर. किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो खुद नंबर तो होगा ही होगा. अ नंबर इज इट्सेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, और वन भी उसका फैक्टर होगा. किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर निकालने लगते हैं तो वन तो उसका फैक्टर मिलता ही मिलता है, और सेकेंडली वो नंबर खुद भी उसका फैक्टर होता है. इसके अलावा अगर कोई और भी इसके अंदर फैक्टर मिल जाता है तो टोटल इसके अंदर कितने हो गए हमारे पास? तीन फैक्टर, वन टू और फोर. तो ये तो दो से ज़्यादा हुए. इट मीन्स फोर हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों. अब हम ये देखें, वन टू फिफ्टी हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं? वन टू फिफ्टी हमारे पास बेसिकली 15 प्राइम नंबर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं वो देखिए, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री, इसके बाद 29 31 37 41 एंड देन 43 47. तो टोटली हमारे पास कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं? ये 1 से लेके 50 के बीच में, 1 टू 50 के बीच में हमारे पास प्राइम नंबर जो हैं वो कितने हैं? 15 टोटल ये प्राइम नंबर है. तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी कि सिर्फ टू को छोड़ करके बाकी जो जितने भी प्राइम नंबर हैं इसके अंदर वो सारे ओड नंबर्स हैं. तो हमारे पास यहाँ सेकेंड एक ऑप्शन भी क्रिएट होता है कि टू ही एक, वन से लेके 50 तक या 100 तक जितने भी आप प्राइम नंबर निकालोगे, टू ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है. प्राइम नंबर में टू ही ओनली वन डिजिट ऐसी है जो इवन है. बाकी आप जितने भी प्राइम नंबर निकालोगे वो सारे क्या होंगे? आपके ऑड नंबर्स. तो ये प्राइम नंबर्स की एक अब एक और खूबी इसके अंदर है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि टू है. टू हमारे पास क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है. लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और पुट होता है कि सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या है? तो हमारे पास क्या आएगा? थ्री. थ्री एक ऐसा ओड नंबर है और ये प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या होगा? वो थ्री होगा.
अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो हम बेसिकली कहेंगे कि 2 है. लेकिन अगर इसमें ऑड मेंशन होता है तो वहां हम इसको क्या कहेंगे कि 3 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया कि 1 भी तो एक प्राइम नंबर होना चाहिए. अब 1 को हम प्राइम नंबर में क्यों काउंट नहीं कर रहे? देखो 1 भी तो है ना, ऑड भी है. हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है. फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है? 0 होता है. तो 1 में क्या कमी रहेगी कि हमने इसे प्राइम नंबर नहीं कहा? तो उसके बारे में हम देखते हैं कि 1 के जो फैक्टर है ना, वो सिर्फ 1 ही है. देखो किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? या तो 1 होता है या फिर वो नंबर इटसेल्फ हो, तभी वो प्राइम कहलाता है. लेकिन 1 के साथ क्या है प्रॉब्लम? 1 के साथ क्या है कि उसका जो इटसेल्फ नंबर भी है ना, वो भी 1 ही है. इसलिए इसका टोटल नंबर में फैक्टर कितना है? 1. 2 नहीं हो रहे ना. हमने कहा है कि वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जिसके 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो. लेकिन हमारे पास यहाँ 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर निकल रहा है, इसीलिए हम 1 को क्या कहेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है. और इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो होता है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं. भाज्य संख्याएं. अब जो देखो हमने अभी तक किया था प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, जो खुद के अलावा किसी और पे भी ना जाए, किसी और टेबल में ना जाए या किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ खुद में ही रहे. अब हमारे पास क्या आते हैं? कंपोजिट नंबर यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट. ये क्या कहता है? जो 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा तो होंगे 2 प्राइम हो जाएंगे. जब किसी भी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा, अब कितने ज्यादा हो इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, कितने भी ज्यादा होने सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए. जैसे हमने पहले 4 लिया था, 4 के क्या थे हमारे पास फैक्टर? थे 3 फैक्टर बन रहे थे ना हमारे पास इसके, 1, 2 और 4. तो ये क्या हुआ? एक कंपोजिट नंबर. अब इसके अलावा हम और भी कोई नंबर ले लेते हैं, इसके लिए 4 की जगह हम कोई और नंबर लेके देख लेते हैं. तो हम यहाँ कहेंगे कि हमें निकालने हैं भाज्य संख्याएं, तो इसमें हम ले लेते हैं 6. 6 नंबर है ना, 6 के कितने होंगे फैक्टर? 2 और 3. 2, 3 जा 6. अब 2 के कितने फैक्टर हो गए? 1 और 2. और 3 के हो गए 1 और 3. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हुए इसमें? 1, 2, 3, 6. कितने हो गए? 4. 2 से ज्यादा है ना 4. तो ये क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर. जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है काउंटिंग में, वो क्या है? कंपोजिट नंबर. अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि 1 क्या कंपोजिट नंबर होगा? तो यहाँ ये नॉलेज है कि 1 जो है ना तो वो प्राइम नंबर की लिस्ट में आता है और ना ही वो कंपोजिट की लिस्ट में आता है. 1 ना तो प्राइम है और 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर. 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा भाई? जी हाँ, 2 और 3 जो है हमारे पहले प्राइम नंबर है, तो हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा 4. 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ा प्राइम क्या होगा, तो सबसे बड़ा प्राइम तो कोई नहीं निकाल सकता. काउंटिंग हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, और सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर भी नहीं बता सकते. तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस ये होते हैं सिर्फ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, या सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है, या सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या है. इसमें भी हम पता कर सकते हैं कि सबसे छोटा इवन ही होंगे, इसके अंदर ओड नंबर्स नहीं आते. लेकिन 9 जो है एक ओड नंबर भी है और एक कंपोजिट नंबर भी है. तो यहाँ पे सबसे छोटा जो है कंपोजिट नंबर तो हो गया 4, और ओड नंबर में अगर हम बात करें तो क्या आएगा?
9 is the smallest odd number and a composite number. इसके बाद आते हैं हमारे पास बारी co-prime numbers की. ये तो बात थी prime और composite number की. अब हम बात करते हैं co-prime number. co-prime number यानी के सह अभाज्य संख्याएं, जो सह भी हों और अभाज्य संख्याएं भी हों, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? co-prime number. इनमें क्या होता है कि a pair of a number which is not divisible by a same number. क्या कहता है कि हम कोई भी अगर pair ले ले numbers का, दो numbers का ऐसा pair जो किसी same table पर ना जाए, वो कहलाता है co-prime number. अगर हम यहाँ 3 और 5 दोनों को ले लें, तो 3 और 5 एक टेबल पे जाएंगे कभी भी? 3 3 पे जाएगा और 5 जो है वो 5 की टेबल पे जाएगा, तो दोनों एक टेबल पे तो नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या कहला रहे हैं? co-prime number. इसके अलावा अगर हम और कोई नंबर ले लें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 27 और 2, ये दो नंबर ले ले, 27 एंड 2. अब यहाँ पे देखो 27 तो कंपोजिट नंबर है और 2 एक प्राइम नंबर है. यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होती कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए या दोनों प्राइम नंबर हों, कुछ भी हो सकता है, एक कंपोजिट नंबर भी हो सकता है और एक प्राइम नंबर भी होना सकता है. यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि सिर्फ और सिर्फ वो सेम टेबल पर नहीं जाने चाहिए. अब 27 को हम 3 की टेबल से जा सकते हैं, 3 9 जा 27, लेकिन 2 पे तो नहीं जा रहा वो. अब 3 की टेबल से हम इसको सॉल्व करें तो 3 3 जा 9, अब भी ये 2 कहीं नहीं जा रहा. 3 को करें तो 3 1 जा 3, और 2 तो अपनी ही टेबल पे जा रहा है, तो ये किसी भी एंगल से सेम टेबल को डिस्क्राइब नहीं कर रहे. तो ऐसे नंबर्स का पेयर जो किसी सेम टेबल से डिवाइड ना हो, वो कहलाते हैं co-prime numbers. यहाँ पर pair of numbers होता है, single number co-prime number नहीं कहलाता. यहाँ पर main क्या होता है कि वो pair होगा, दो numbers होंगे और वो same table पर नहीं जाएंगे, तो वो कहलाएंगे हमारे co-prime numbers. तो इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.